हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी दुकान में ये एयरटेल का मोबाइल आया है रिपेयर होने के लिए, जो कि पूरा डेड है। इसको चार्जिंग में लगाने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप मोबाइल को कैसे चेक करते हैं, कैसे चालू होगा, वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मोबाइल रिपेयर सीखने के लिए कम्प्लीट पूरा वीडियो देखें तो समझ में आएगा। तो पहले तो हम मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं। तो हमने इस मोबाइल को चार्जिंग में लगाया तो देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल को कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा ये चार्जिंग चालू नहीं है, हम इसमें अगर दूसरा मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल ये दूसरा चार्ज हो रहा है। तो मतलब हमारा ये चार्जिंग चालू है लेकिन ये मोबाइल नहीं चार्ज हो रहा है। तो पहले तो हम मोबाइल को खोल लेते हैं। हमने मोबाइल को खोल लिया दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने मोबाइल खोल लिया। और खोलने के बाद हम पहले इस बैटरी को चेक करेंगे, इसकी बैटरी को। तो बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को ये डीसी के 20 वोल्ट में सेट करना है मीटर को, तो मैं इसको 20 वोल्ट में सेट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारी बैटरी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी बैटरी कुछ भी नहीं बता रही है। तो फिर हम क्या करना है करेंगे कि हम ये मोबाइल को चेक करेंगे कि मोबाइल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोबाइल को चेक करने के लिए हमने इसको कंटिन्यूटी बजे रखे मोड सेट किया है मल्टीमीटर को। तो हम अब इसको चेक करते हैं। तो मोबाइल को चेक करने के लिए हमें रेड प्रोब को ग्राउंड रखना है, और हम दूसरे जो ब्लैक प्रोब है इसे हम इसके मोबाइल को चेक करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव पॉइंट है इसका बैटरी कनेक्टर का, ये जिसमें से 480-81 के आसपास रीडिंग आ रही है। और दूसरी हमारी ये BSI की पिन है जिसमें 1000 की रीडिंग आ रही है। तीसरा ये जो पॉइंट है इसका, ये ग्राउंड का, तो इसमें देख सकते हैं कि ये माइनस ग्राउंड है, जो हमारे ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो हम अब ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रखेंगे। अब हम इसे चेक करते हैं तो देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं बता रहा है। ये ग्राउंड बताएगा हमारा, क्योंकि ग्राउंड जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा सीधा है, तो यहाँ से रीडिंग आ रही है और यहाँ से नहीं आ रही है, तो मतलब हमारा मोबाइल ये हमारा चालू है, मोबाइल हमारा ओके है। तो फिर हमारे इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, तो हमें फिर क्या करना है कि हम इसको चार्ज में खोजते हैं मोबाइल को। अब इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं कि इसमें कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं हमारी बैटरी को चार्ज होने के लिए। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 के 20 वोल्ट में मल्टीमीटर को सेट करेंगे, और हम इसमें चेक करेंगे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें हमारे ये 0.55 आ रहा है इसमें, तो जबकि बैटरी को चार्ज होने के लिए 4.2 वोल्ट आने चाहिए, तो 4.2 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, देख सकते हैं। पहले तो हम इस मोबाइल को खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमने मल्टीमीटर को बंद किया। दोस्तों, हमने मोबाइल को देखो पूरी तरह से खोल लिया है इसको। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो पहले तो हम इसमें ही दिक्कत हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो पहले तो हम इसकी चार्जिंग को साफ़ कर लेते हैं एक बार। तो आप पेट्रोल से भी इसको साफ कर सकते हैं, हमें इसको साफ कर लेना है। अब फिर हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं दोबारा, इसमें वोल्टेज क्यों नहीं आ रहे। तो हमें इसका वोल्टेज चेक करने के लिए हमने फिर मल्टीमीटर को चालू किया। तो हम इसको चेक करते हैं कि वोल्टेज कितने आते हैं। तो देख सकते हैं कि वोल्टेज अभी भी नहीं इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम इसकी चार्जिंग पिन को बदलते हैं, हमें पत्ता को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम पहले तो इसकी चार्जिंग पिन निकाल ले रहे हैं। तो चार्जिंग पिन निकालने के लिए दोस्तों हमें चाहिए हॉट और गैन। दोस्तों, पेस्ट लगाने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से निकलता है दोस्तों।
देख सकते हैं दोस्तों कि हमने इसको निकाल लिया है। दोस्तों इसको निकालने के बाद जिस तरह की हमारी ये पिन है आप देख सकते हैं, उसी तरह की हमें दूसरी पिन लगाना है इसमें। तो दोस्तों ऐसे ही देखो न्यू पिन हमारे पास दूसरी है। तो पहले तो हम इसको सोल्डरिंग के लेते हैं पहले से, ताकि अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए। इसको भी साफ़ कर लेते हैं और इसमें सोल्डरिंग के लेते हैं। तो इसको सोल्डरिंग करने के लिए पहले हम इसमें पेस्ट लगाएंगे। इसमें तो हम इसमें पेस्ट लगा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको सोल्डरिंग कर लिया है। अब हम इसको साफ कर लेते हैं। ये देखो हमारा कितना बढ़िया साफ हो गया है। अब हम इसमें इसको चिपकाएंगे न्यू वाली को। दोस्तों आराम से इसको धीरे धीरे चिपकाना है, ताकि यहाँ वहाँ ना हो। ये अब देख सकते हैं कि हमने इसको चिपका दिया। अभी हमारा चिपक गया है बढ़िया से। दोस्तों हमने इसको बढ़िया से चिपका लिया है। अब हम इसमें चार्जिंग लगाते हैं। इसको वापस वैसे ही पैक किए ले रहे हैं इसको। तो हमने इसका कीपैड का ये पत्ता लगाया बटन वाला कीपैड का, तो हमने इसको सेट कर दिया। अब हम इसको चार्ज में लगा कर देखते हैं कि हमारा फ़ोन खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। देख सकते हैं कि हमारा चार्जिंग उतार रहा है। अब हमारा फ़ोन भी खुल जाएगा। ये देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन खुल रहा है। समस्या हमारी इसकी चार्जिंग पिन थी जो हमने इसको निकाल दिया है। अब हमारा फ़ोन देखो चार्ज हो रहा है, चालू भी हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।